हेलो एवरीवन, वोकैबुलरी दुनिया में आपका स्वागत है और मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी से हर दिन भरा होने वाला है। और रियली आप यकीन करिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आई होप वीडियो खत्म होते होते आपको इस शब्द की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जिन्हें आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करके खुद को काफ़ी इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं। मतलब आप सब इंटेलिजेंट हैं, पर इंटेलिजेंट कैसे पता चलेगा किसी को कि आप हैं? तो वीडियो देखते रहिए और साथ में बने रहिए। तो आज इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे है एन इगोइस्टिक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉक अबाउट पर्सनालिटी की बात करने जा रहे हैं, जिसका पहला शब्द है एन इगोइस्टिक। चलिए आगे चलते हैं। एन इगोइस्टिक को अगर आप डेफिनेशन के रूप में समझना चाहते हैं या फिर आप इसकी एग्जैक्ट मीनिंग, तो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल डायरेक्ट एंड अवरबोर्ड, एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट इज इन इट फॉर मी, यानी इसमें मेरे लिए क्या है। और हिंदी में इसी को देखने के लिए, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सीधा सरल है और आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय एक प्रश्न के उत्तर पर ही आधारित होता है, यानी इस काम में मेरे लिए क्या है। तो चलिए इसे और ज्यादा समझते हैं। और इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर आप यूज करें तो यानी कि मी फर्स्ट, यानी मेरा फायदा पहले, यानी मेरे लिए क्या है। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ बिलीवर इन इगोइज्म, एंड सेकंड है एन इगोसेंट्रिक और इगोइस्टिक पर्सन। और चलिए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी इसके समान अर्थ वाले शब्द। ईगोसेंट्रिक, सेल्फ एब्जॉर्ब, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड स्मग। और इसके एंटोनिम्स देखें तो ईगोलेस, एल्टरिस्टिक, हम्बल, मॉडेस्ट, अनकम्प्लेसेंट। और इगोइस्टिक शब्द का अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये बनेगा, देयर बॉस इज अ डिमांडिंग इगोइस्टिक हु इंसिस्ट डैट एवरीथिंग बी डन हर वे। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं और अब बारी है आपकी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में और सारे सेंटेंस इगोइस्टिक से बना के दिखा सकते हैं। थैंक यू।